हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद। हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन पर अटेन किया जाता है। इसमें हमने दो कंडीशन देखी थी। पहली कंडीशन थी जिसके अंदर द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट जो होते हैं दोनों की जो रेट होती है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। जिस रेट से प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, या जिस रेट से प्रोडक्ट बनता है उसी रेट से वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट से बनता है। ये पहली कंडीशन देखी। दूसरी कंडीशन जो थी वो कंसंट्रेशन बेस्ड थी, जिसके अंदर हमने बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कांस्टेंट, पॉइंट पे जाकर कांस्टेंट हो जाता है और इक्विलिब्रियम आता है, अटेन होता है, ठीक है। और इसके हमने अलग अलग ग्राफ भी देखे थे कि ग्राफ कब कट करते हैं कब कट नहीं करते हैं, ओके। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन के अंदर इस वीडियो को दे रखिए, आप जा करके उसको देख सकते हैं, ओके। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक, जो कि दो साइंटिस्ट ने दिया था गुलबर्ग और वागी। इन 1864 के अंदर इस लॉ को प्रपोज किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, ठीक है। नया टर्म है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये इसका एक स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए, कोई रिएक्शन हो रही है N1E प्लस N2B, इससे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ओके। तो इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एक्टिव मासेस। और एक्टिव मासेस क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक्टिव मास को इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिटेल अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट पहले इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दो रिएक्टेंट है, ए का एक्टिव मास, बी का एक्टिव मास। और इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो जो होते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जो हमें मिलता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2। तो N1 एंड, ओके, तो क्या आ गया, रेट जो होती है प्रोपोर्शन होती है N1, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी हो सकता है, या फिर एक्टिव मासेस ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। अब इस प्रोपोर्शन के साइन पर आते हैं तो रेट जो होती है इक्वल होती है कि कांस्टेंट आता है कंसेंट्रेशन ऑफ, सॉरी एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, N1 और N2 इसके स्टोइकोमेट्रिक पावर के अंदर दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि जो k होता है इट इज कांस्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात k के लिए, k इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसकी एक इक्वेशन भी आती है और इसके लिए हम ग्राफ भी बनाएंगे। दो टाइप की जो रिएक्शंस होती है टेम्परेचर बीच, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उन दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ आते हैं इसकी, ठीक है। कौन सी इक्वेशन होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो नई इक्वेशन भी आ गई आपके पास, रेट जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो लॉ होता है इट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास को आप स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हो, ये हमने पहले देखा। देखिए, एक्टिव मास को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट इज सॉल्यूशन फेज रिएक्शन, एंड सेकेंड इज गैसियस फेज रिएक्शन, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन फेज रिएक्शन के अंदर एक्टिव मास को डिफाइन करते हो तो आप बोलोगे द एक्टिव मास इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन, सॉरी कंसेंट्रेशन, ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो मोलारिटी। मतलब जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होगी वही उसका एक्टिव मास होगा। जब आप गैसीय फेज के अंदर बात करते हो तो एक्टिव मास इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ
गैस, ठीक है, गैस का जो प्रेशर होगा वो उसका एक्सट्रीम आंसर होगा, ठीक है। या फिर आप इसको कभी कभी कंसेंट्रेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो आपको प्रेशर ऑफ गैस देनी है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कंसेंट्रेशन भी दे रखी है गैस की तो आप उससे भी काम चला सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रहेगी प्रेशर ऑफ गैस की, ठीक है। गैस की जो क्वांटिटी होती है वो उसका प्रेशर डिफाइन करता है ना। मान लो दो कंटेनर है, पर इन दोनों कंटेनर में प्रेशर जो है इसका ज्यादा है और इसका प्रेशर कम है, इसका मतलब यहाँ पे गैस की जो अमाउंट है वो ज्यादा है और यहाँ पे गैस की अमाउंट कम है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक नोट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट आता है। देखिए प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होते हैं उनकी जो एक्टिव मास होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कॉन्स्टेंट एंड कैलकुलेशन के बेसिस पर इसको एक माना जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको यूनिट माना जाता है, ताकि एक माना जाता है बोल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी कोई भी कैलकुलेशन अफेक्ट ना होने से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो प्योर सॉलिड होता है प्योर लिक्विड जो होता है उनका एक्टिव मास कॉन्स्टेंट क्यों होता है, इसको हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए एक्टिव मास जो होता है वो होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, मैंने कंसेंट्रेशन को आप ऐसे डिफाइन करते हो मोल अपॉन वॉल्यूम जो होती है। एंड मोल जो होता है, मोल इज वस्तु मास अपॉन में मोलर मास, ओके। इस मोल की जो वैल्यू है हम इस वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो एक्टिव मास जो आएगा वो क्या आएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम इनटू में वन अपॉन मोलर मास। पर आप लोग जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं किससे, डेंसिटी से। देन द एक्टिव मास इज डेंसिटी अपॉन में मोलर मास, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड के लिए। देखिए सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, प्योर सॉलिड जो होते हैं वो उनकी डेंसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है ना, प्योर सब्सटेंस जो भी होते हैं। और वो जिससे बनते हैं उसकी मोलर मास भी कॉन्स्टेंट ही होगा, मोलर मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड का मोलर मास कभी चेंज नहीं होता, प्योर चीज है, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट है, मोलर मास भी कॉन्स्टेंट है, तो उसका एक्टिव मास भी क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लिक्विड के लिए भी बात करते हैं कि लिक्विड प्योर लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, मोलर मास भी कॉन्स्टेंट है, तो एक्टिव मास कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ओके। तो ये था प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास कॉन्स्टेंट होता है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे एक्टिव मास, ठीक है, ताकि हम पूरा क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ सके। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, 8.4 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट इन अ कंटेनर विच कैपेसिटी इज 0.5 लीटर। एक कोई कंटेनर है, जैसे मान लो हम डायग्राम लेके देखते हैं, ये कंटेनर है, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। इस कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो है 0.5 लीटर, ठीक है, और इसके ग्राम अंदर 8.5 ग्राम अमोनिया, अमोनिया इज NH3 इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। और ये बोल रहा है कि अब आपको अमोनिया का एक्टिव मास कैलकुलेट करना है। चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बताया था फॉर्मूला ऑफ एक्टिव मास इज मास अपॉन वॉल्यूम इनटू में वन अपॉन मोलर मास, इस फॉर्मूले से कह सकते हैं। देखिए मास आपको दे रखा है 8.5 ग्राम, अपॉन में वॉल्यूम जो है वो कितना है, 0.5 लीटर की कैपेसिटी का कंटेनर है, तो 0.5 इंटू में वन अपॉन आप क्या करोगे, मोलर मास, ठीक है। मोलर मास ऑफ NH3 इज 17, है ना, कैलकुलेट करना आता है। नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 होता है, 14 प्लस 3, वन हाइड्रोजन का वन, तो 3 हाइड्रोजन का 3, 14 प्लस 3 इज टू 17, ठीक है, तो ये आएगा 17। और इसको पूरा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप जो आंसर निकालोगे वो आएगा 1, ठीक है, तो 1 मोल पर लीटर, ठीक है, ये आ जाएगा
अमोनिया का एक्टिव मास। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी कंपाउंड का एक्टिव मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको अगर कोई डाउट है, और आपका जो भी डाउटफुल चैप्टर है उसको कमेंट करके बताएं, हम उस पर पूरी वीडियो बनाएंगे। ओके।